महाराणा प्रताप ने मुगलों के बार बार हुए हमलों से मेवाड़ की रक्षा की। उन्होंने अपनी आन बान और शान के लिए कभी समझौता नहीं किया। विपरीत परिस्थितियों में भी कभी हार नहीं मानी और यही वजह है कि महाराणा प्रताप की वीरता के आगे किसी की भी कहानी टिकती नहीं है। अकबर के घमंड को चूर करने वाले महाराणा प्रताप, जिन्होंने कभी हार ही नहीं माना, आज महाराणा प्रताप की कहानी आपके सामने रखेंगे। उनके चेतक के रोचक किस्से भी आपको सुनाएंगे। 7 फीट 5 इंच की लंबाई, 110 किलो वजन, 81 किलोग्राम का भारी भरकम भाला और छाती पर 72 किलो वजनी कवच। दुश्मन भी जिनके युद्ध कौशल के कायल थे, जिन्होंने मुगल शासक अकबर का भी घमंड चूर कर दिया था। 30 सालों तक लगातार कोशिश के बाद भी अकबर उन्हें बंदी नहीं बना सका। ऐसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई को होती है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के मेवाड़ में हुआ था। राजपूत राजघराने में जन्म लेने वाले प्रताप उदय द्वितीय और महारानी जयवंताबाई के सबसे बड़े पुत्र थे। वे एक महान पराक्रमी और युद्ध रणनीति कौशल के दक्ष थे। महाराणा प्रताप ने मुगलों के बार बार हुए हमलों से मेवाड़ की रक्षा की। उन्होंने अपनी आन बान शान के लिए कभी भी समझौता नहीं किया। विपरीत से विपरीत परिस्थिति ही क्यों ना हो, कभी हार नहीं मानी और यही वजह है कि महाराणा प्रताप की वीरता के आगे किसी की भी कहानी नहीं टिकती है। 1576 में हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप ने अकबर की 85,000 सैनिकों वाली विशाल सेना के सामने अपने 20,000 सैनिक और सीमित संसाधनों के बल पर स्वतंत्रता के लिए कई वर्षों तक संघर्ष किया। बताते हैं कि ये युद्ध 3 घंटे से अधिक समय तक चला। इस युद्ध में जख्मी होने के बावजूद महाराणा मुगलों के हाथ नहीं आए। महाराणा प्रताप कुछ साथियों के साथ जंगल में जाकर छिप गए और यही जंगल के कंदमूल खाकर लड़ते रहे। महाराणा प्रताप यहीं से फिर से सेना को जमा करना शुरू किए। हालांकि तब तक एक अनुमान के मुताबिक मेवाड़ के मारे गए सैनिकों की संख्या 1600 तक पहुंच गई थी, जबकि मुगल सेना में 250 से 350 सैनिकों के अलावा 3500 से लेकर 7800 सैनिकों की जान चली गई थी। 30 वर्ष के लगातार प्रयास के बाद अकबर महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना सका। आखिरकार अकबर को महाराणा प्रताप को पकड़ने का ख्याल दिल से निकालना पड़ा। बताते हैं कि महाराणा प्रताप के पास हमेशा 104 किलो वजन वाली 2 तलवार रहा करती थी। महाराणा 2 तलवार इसलिए रखा करते थे कि अगर कोई निहत्था दुश्मन मिले तो 1 तलवार उसे दे सके, क्योंकि वो निहत्थे पर वार नहीं करते। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी उनकी तरह बहादुर था। महाराणा प्रताप के साथ उनके घोड़े को हमेशा याद किया जाता है। जब मुगल सेना महाराणा प्रताप के पीछे लगी थी, तब चेतक महाराणा को अपनी पीठ पर 26 फीट के उस नाले को लाग गया जिसे मुगल पार ना कर सके। चेतक इतना अधिक ताकतवर था कि उसके मुंह के आगे हाथी की सूंड लगाई जाती थी। चेतक ने महाराणा को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। बताते हैं कि महाराणा प्रताप की 11 रानियां थी, जिनमें से अजबदे पवार मुख्य महारानी थी और उनके 17 पुत्रों में से अमर सिंह महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी और मेवाड़ के 14वें महाराणा बने। महाराणा प्रताप का निधन 19 जनवरी 1597 को हुआ था। कहा जाता है कि इस महाराणा की मृत्यु पर अकबर की आंखें भी नम हो गई थी।